you. How are you all? Today I'm going to start next video of chapter 3, which topic is muscle tissue or muscular tissue. So the muscle tissue or muscle of the body form the contractile tissue and are made up of muscles. तो आपको मैंने बताया था कि मसल टिश्यू खिंच सकता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, रिलैक्स कर सकता है, तभी तो मूवमेंट होता है. तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू का फॉर्म करता है मसल टिश्यू आपका. और ऑब्वियसली बात है, जब मसल टिश्यू है तो किसका बना होगा, टिश्यू है तो सेल से मिलकर बना होगा. कौन सा सेल, तो मसल सेल से मिलकर बना होगा. मसल सेल कैसा होता है, जनरली इलांगेटेड लार्ज साइज होता है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मसल फाइबर बोलते हैं, क्योंकि फाइबर मतलब धागा, धागा लंबा होता है पतला होता है. इसलिए द मोमेंट ऑफ द बॉडी और लिम ब्रॉट अबाउट बाई द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है किसकी हेल्प से, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में. यानी कि कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करता है, किसको, मसल सेल को, विच आर प्रेजेंट इन द मसल सेल. और आप जानते हो कि इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से आपका लिम्स यानी हाथ पैर और बॉडी का मूवमेंट होता है. नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, यानी कि अंदरूनी जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट हो गया, एलिमेंट्री कनाल, हार्ट बीट करता है, एलिमेंट्री कनाल में पेरिस्टाइलिस मूवमेंट होता है, यानी कि वैसा मूवमेंट जिससे खाना आपका पूरे एलिमेंट्री कनाल में मूव करता है. ओके, ऑल आर कॉज्ड बाई मसल टिश्यू. सारा क्या होता है, मसल टिश्यू के वजह से ही होता है, यानी इसके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के वजह से ही होता है. मसल टिश्यू क्या होता है, पैरेलल अरेंजमेंट, यानी पैरेलल तो आप जानते हो बगल बगल में, तो इसका क्या होता है, ताकि अच्छे तरीके से काम कर सके. नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कहाँ पाया जा रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन के हिसाब से इसको तीन टाइप में बांटा गया है, स्ट्रिएटेड, स्मूथ एंड कार्डियक. ओके, सो आप यहाँ डायग्राम देखिए, ये मस्कुलर टिश्यू का डायग्राम है. नेक्स्ट आपका कि क्या है, ये आपका तीनों टाइप्स का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है. सो हेयर इज थ्री टाइप ऑफ मसल फाइबर. फर्स्ट इज स्ट्रिएटेड, ठीक है. स्ट्रिएटेड का मतलब होता है स्ट्रिप्स बना हुआ है, जिसमें धारी, स्ट्रिप्स का मतलब क्या होता है, धारी, ठीक है. यहाँ देख रहे हो ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स बना हुआ है इसमें, इसलिए इसको बोला जाता है स्ट्रिएटेड मसल. ओके, नेक्स्ट है आपका क्या है, स्मूथ मसल. तो ये स्मूथ आप देख रहे हो पैरेलल अरेंज्ड है ये एक दूसरे के पास, और ये काफ़ी स्मूथ भी नज़र आ रहा है. सो ये क्या हो गया आपका, स्मूथ मसल. नेक्स्ट आपका कार्डियक. कार्डियक में खासियत क्या होता है ना, कि ये ब्रांच्ड होता है, ठीक है. बाकी किसी में ये ब्रांच नहीं होता, बट ये क्या है, सेल ब्रांच्ड है. ये आपको दिख रहा होगा, ये ब्रांचिंग है, यहाँ से ब्रांचिंग है. सो और एक और खास बात, नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि कार्डियक कहाँ होगा, हार्ट में होगा, हार्ट में पाया जाता है ये. सो फर्स्ट देखते हैं स्ट्रिएटेड मसल. सो इसको क्या हो, क्या बोला जाता है, स्ट्रिप्ड, जैसा कि मैंने बताया, इसमें स्ट्रिप पाया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट धारी पाया जाता है. स्केलेटल मसल भी बोला जाता है इसको, या फिर वॉलेंट्री मसल भी बोला जाता है. वॉलेंट्री यानी इच्छा, यानी आप अपने इच्छा के अनुसार मूवमेंट करवा सकते हो, आप अपने विल के अनुसार इसमें मूवमेंट करवा सकते हो. सीन्स द एंटायर मसल फाइबर्स शो अल्टरनेट डार्क एंड लाइट स्ट्रिप्स. डार्क यानी वही जो मैंने बताया था, ब्लैक एंड व्हाइट, लाइट मतलब हल्का, जिसको मैं व्हाइट बोल रही थी. स्ट्रिएशन और बैंड्स होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रिप. और नेक्स्ट क्या है, सीन्स दे आर अटैच टू बोन एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट. यानी कि ये बोन से अटैच होता है और बॉडी मूवमेंट करवाता है, इसलिए इसको स्केलेटल मसल बोला जाता है. और लास्टली ये मसल क्या करता है, एक हम काम करता है हमारी इच्छा के अनुसार, विल, इसलिए क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री, यानी इसको ऐच्छिक मसल भी बोला जाता है, जिसे जो आप अपने विल के अनुसार मूवमेंट करवा सकते हो. स्ट्रिएटेड मसल फाइबर लॉन्ग इलांगेटेड है, वो आपको दिख ही रहा था. नॉन टैपरिंग, टैपरिंग का मतलब होता है ये कोना वाला नहीं था, यहाँ आप देख सकते हो टैपरिंग एंड नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें टैपरिंग एंड है ना, नैरो एंड जो बोला जाता है, तो नॉन टैपरिंग है ये. सिलेंड्रिकल आपको दिख रहा होगा. अनब्रांच्ड, मैंने पहले ही बता दिया था, कोई भी ब्रांच नहीं होता सिवाय कार्डियक के. सो दीज सेल हैव ए नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. यहाँ आप देख लो, यहाँ क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियाई है. यहाँ देखो एक दो तीन चार न्यूक्लियाई आपको दिख रहे हैं, तो प्लूरल हो गया न्यूक्लियाई. सो हर एक सेल क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बहुत सारा न्यूक्लियस है इसमें. ईच मसल सेल इज इनक्लोज्ड इन ए थिन बट डिस्टिंक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यानी कि हर एक मसल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तो घिरा होता है, लेकिन पतला, तो उसको क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा.
ठीक है। लेमा मतलब होता है शीथ या फिर कवरिंग। सार्को का वर्ड आपका फ्लैश के लिए आता है, फ्लैश यानी मसल, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, सो आप यहाँ देख लो मल्टी न्यूक्लिएट का काम क्या है, क्योंकि इसको लगातार काम करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मूवमेंट लगातार होता होता है, दैट इज वाई इसमें बहुत सारा न्यूक्लियस होता है। तो क्या है, इट्स न्यूक्लियाई आर पेरिफेरल इन पोजिशन। पेरिफेरल यहाँ आप समझ लो डायग्राम से, न्यूक्लियस देखो सेल के अंदर नहीं है, ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा उभरा उभरा सा, ये क्या है, न्यूक्लियस है। सो डैट इज न्यूक्लियाई आर लोकेटेड जस्ट बीनीथ द सार्कोलेमा, यानी कि इसका जो कवरिंग होता है उसके जस्ट नीचे होता है, इन द सार्कोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म। सार्को का मतलब क्या हो गया, मसल, प्लाज्म यानी मसल के अंदर का, साइटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म। ऑफ द मसल सेल आर एम्बेडेड लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट, यानी कि इसके अंदर बहुत सारा कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट होता है, किसके अंदर, सार्कोप्लाज्म के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं, सार्कोस्टाइल और मायोफिब्रिल्स। ये इसको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में काफ़ी हेल्प करता है और इसका शेप भी मेंटेन करके रखता है, ठीक है, कौन, मायोफिब्रिल्स। ओके, सो आप बेटर है कि ये सार्कोस्टाइल से ज़्यादा आप मायोफिब्रिल्स नाम याद रखो, क्योंकि दोनों चीज़ एक ही है, बट मायोफिब्रिल्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अकरेंस कहाँ पाया जाएगा, अभी आपने पढ़ा कि आपके हाथ पैर को मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है, बोन्स के ऊपर पाया जाता है, तो कहाँ होगा, लिम्स में। सो बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स और आर्म्स, यानी कि अपर पार्ट को क्या बोलते हैं, आर्म के बाइसेप्स, और लोअर वाला जो मसल होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्राइसेप्स। ठीक है, बॉडी वॉल हो गया, फेस, नेक, ईटीसी, तो यहाँ पे पाया जाता है। स्ट्रिएटिन मसल प्रेजेंट इन टंग, टंग में भी पाया जाता है, फारिंग्स में, डायफ्राम में, एंड अपर पार्ट ऑफ ऑसोफेगस, जिसको क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड विसरल स्ट्रिएटेड मसल्स बोलते हैं। सो फंक्शन क्या है इसका, सो पावरफुल होता है और रैपिड कंट्रैक्शन, यानी बहुत तेजी से, बहुत फास्ट ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और बहुत फास्टली ये रिलैक्स भी कर सकता है। ठीक है, दिस मसल कैन गेट टायर्ड इजिली, थक जाता है, ऑब्वियस बात है, आपके हाथ पैर में दर्द होने लगता है अगर आप ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करोगे, तो वही बोल रहा है कि ये थक जाता है, एंड मे नीड रेस्ट, और इसको फिर रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो स्ट्रिएटेड मसल क्या करता है, प्रोवाइड द फोर्स फॉर लोकोमोशन, ये आपको फोर्स, एक ताकत देता है ताकि आप लोकोमोशन परफॉर्म कर सको, एंड अदर वॉलेंट्री मोमेंट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि जो आप अपनी इच्छा के अनुसार मूव करवा सकते हो, वैसा ऑर्गन को भी या वैसा बॉडी पार्ट्स को भी, पार्ट में भी ये पाया जाता है और उसका मूवमेंट करवाता है। नेक्स्ट है आपका स्मूथ मसल, इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या क्या और दूसरा नाम है, जो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अनस्ट्रिएटेड, क्योंकि इसमें कोई बैंड नहीं पाया जाता, ब्लैक एंड वाइट टाइप का। विसरल भी बोलते हैं, ठीक है, इंटरनल बॉडी पार्ट से पाया जाता है इसलिए। एंड इनवॉलेंट्री मसल, यानी कि आप अपने इसको विल के अनुसार मूवमेंट नहीं करवा सकते, जैसे हार्ट बीट आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को, कब कॉन्ट्रैक्ट करना है, कब रिलैक्स करना है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे क्या है? लेकिन वो हार्ट में दूसरा मसल होता है, तो वो अलग टाइप में हम पढ़ेंगे, मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने बोला, इसी तरीके का दूसरा भी होता है, जैसे एलिमेंट्री कनाल का मूवमेंट हो गया, वो हो गया परफेक्ट एग्जांपल स्मूथ मसल का। ठीक है, तो ये नहीं बोलना कि ये कार्डियक यानी कि हार्ट वाला मसल यहीं पर आ जाएगा, ओके, वो उसके लिए अलग से है, मैं बस बता रही थी कि जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ओके। सो स्मूथ मसल अकर्स एज बंडल और शीथ ऑफ इलांगेटेड फ्यूजीफॉर्म और स्पिंडल शेप, यानी कि ये कैसा होता है, या तो बंडल में पाया जाएगा, या शीट ऑफ इलांगेटेड, चपटा होगा और इलांगेटेड होगा, या फिर स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप मैंने बताया था, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है वैसा ही स्मूथ मसल लगभग होगा, पैरेलल अरेंज होगा, ओके, पॉइंटेड एट बोथ एंड्स, यानी टैपरिंग एंड होगा, और फाइबर्स बोलते हैं क्योंकि लंबा है ये, ओके, दीज आर हेल्ड टुगेदर बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है लूज कनेक्टिव टिश्यू की वजह से। ईच मसल सेल इज इनक्लोज इन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उससे पहले वाले में भी था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से था। देर इज सिंगल सेंट्रली लोकेटेड सिगार शेप न्यूक्लियस इन द सेंटर, ये क्या है आपका, यहाँ पे एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जा रहा है, ओके, सो इसमें क्या होता है, यूनि न्यूक्लिएटेड, यानी कि एक इसमें एक ही न्यूक्लियस होगा सेल के अंदर, कि और इसमें क्या होगा, सार्कोप्लाज्म, जो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और न्यूक्लियस का शेप कैसा है, सिगार शेप, ओके। डेलिकेट कॉन्ट्रेक्टाइल थ्रेड्स, जिसको क्या बोलते हैं, मायोफिब्रिल्स,
ओके डेलिकेट है यानी नाजुक है, कॉन्ट्रेक्टाइल थ्रेड्स यानी को जो कंट्रैक्शन में जा सकता है, रन्स लॉन्गिट्यूडनली थ्रो आउट द सेल यानी कि ये भी क्या होता है लॉन्गिट्यूडनली, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये हो गया स्मूथ सेल, इसमें के अंदर क्या होगा, सेल के अंदर लॉन्गिट्यूडनली पतला पतला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको मायो फिब्रिल्स बोला जाता है, वो इसमें लॉन्गिट्यूडनली ही ये अकर होगा, यहाँ पे पाया जाएगा, जिसके ये किसमें हेल्प करेगा, कॉन्ट्रैक्शन में। सो इसमें कोई बैंड और स्ट्रिप्स नहीं पाए जाते, इसलिए देखो इसको क्या बोलते हैं, स्मूथ और अनस्ट्रिएटेड मसल बोलते हैं। कहाँ पाया जाएगा, तो ये पाया जाएगा वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन यानी जो अंदर इंटरनल ऑर्गन होता है, एक्सेप्ट दैट हार्ट, जैसा कि कुछ देर पहले बोला हार्ट के लिए अलग से आपका पूरा सेल का ही पढ़ना है, जो कार्डियक में सिर्फ और सिर्फ हार्ट का ही पढ़ना है। सो आर कॉल्ड विसरल मसल यहाँ पे पाया जाएगा। सो दे आर अकर इन वॉल ऑफ एलिमेंट्री कनाल जैसे कि कुछ देर पहले ही मैंने बोला था, एंड इंटरनल ऑर्गेन जैसे हो गया डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स हो गया, डक्ट यानी क्या होता है पाइप हो गया, जिससे आपके ग्लैंड्स अपना सिक्रेशन रिलीज करता है, चाहे वो एंजाइम्स हो या हॉर्मोन्स हो, यूरोजेनाइटल डक्ट हो गया, यूरोजेनाइटल डक्ट का मतलब होता है ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन का डक्ट हो गया और जेनाइटल एरिया का डक्ट हो गया, यानी जेनाइटल एरिया यानी टेस्टिस और ओवरी का डक्ट हो गया, ओके, एंड ब्लड वेसल्स में ये पाया जाएगा। स्मूथ मसल्स आर फाउंड क्या, स्टोमैक में पाया जाएगा, इंटेस्टाइन यूरेटर एंड ब्रोंकाई एंड आइरिस ऑफ आई यहाँ पे पाया जाएगा। इसका फंक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, ओके, फिलहाल के लिए इतना ही तक।